उन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और मौके पर फायरिंग की वारदात भी की थी। उसके बाद जो युवती थी उसको अपहरण करके उन तीनों के द्वारा ले जाया गया। घटना बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण जिस कारण से जिला का गठन किया गया था जिसमें CO बाड़मेर सर्किल के समस्त SHO और विशेष तौर पर SHO शिव, SHO नागाना, DST और DCR भी टीम को साथ में लेकर के और होते ही तुरंत मध्यरात्रि से कार्रवाई करके संपूर्ण जिले में नाकाबंदी भी कराई थी और जो क्षेत्र जो प्रभावित था उसमें सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। रेंज लेवल पे भी नाकाबंदी कराई गई थी और गाड़ी का हुलिया और मुलजिमों के हुलियों के आधार पर नाकाबंदी सख्त होने के कारण जो युवती है उसको मुलजिमों के द्वारा घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर हाईवे पर बायतू के आसपास उतार दिया था, जिसको पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर के महिला थाना SHO के तत्वाधान में उनके बयान करवाए गए, उनका मेडिकल करवाया गया। तत्पश्चात जो मुलजिमान है उनकी तलाश के लिए रवाना किया गया, जिसमें एक टीम जिसके सदस्य थे SHO शिव, SHO नागाना, SHO RGT और अन्य मुलाजमान इनके साथ जो थे उनको सफलता मिली है। और घटना में दो मुख्य आरोपी जिनमें से एक का नाम है ओम प्रकाश और दूसरा मुलजिम जिसको बापरता गिरफ्तार किया गया है, उन दोनों को दस्तयाब किया गया। दोनों आले दर्जे के बदमाश हैं जिनमें से एक के खिलाफ 10 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं और दूसरे के खिलाफ 2 प्रकरण पूर्व में गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। इनके कब्जे से, इनके पास से घटना में प्रयुक्त जो 4-व्हीलर वाहन था वह भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही जो आग्नेयास्त्र, जो फायरआर्म घटना में प्रयुक्त किया गया था उसके बारे में अहम सुराग मिल गए हैं जिसको तुरंत ही बरामद कर लिया जाएगा। घटना में शरीक एक अन्य मुलजिमान के नाम का भी इनके द्वारा खुलासा कर दिया गया है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए अभी कुछ टीमें फील्ड में हैं और जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किडनैपिंग के पीछे प्राथमिक तौर पे जो मकसद सामने आया है वो ये था कि ये स्पा सेंटर पे गए थे जहाँ संभवतः ये दारू के नशे में थे और इनकी पीड़िता के साथ और स्पा सेंटर के संचालकों के साथ कोई बहसबाजी हो गई थी, जिसमें आवेश में आकर के इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर, बाड़मेर में जगह जगह स्पा सेंटर खुले हुए हैं और ये कई बार आपकी पुलिस की कार्रवाई में स्पष्ट हो चुका है कि उसकी आड़ में अनैतिक गतिविधियों का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। बावजूद इसके इनका लगातार नए जो स्पा सेंटर उनका खुलना जारी है, समाज के अंदर वेश्यावृत्ति का ये जो सारा काम हो रहा है, पुलिस इसको लेकर गंभीर और समाज के प्रति कितने जवाबदेह है? जैसा आपने बताया कि वेश्यावृत्ति से संबंधित जो अपराध है वो पीटा एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं। ये घटना जो अभी हुई है ये चौंका देने वाली है और इसके बाद एक विशेष अभियान चला करके ऐसी कोई भी अनैतिक गतिविधि ऐसे किसी सेंटर में नहीं संचालित हो ये हम सुनिश्चित करेंगे। सर, हर 7 दिन में यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो बदलती हैं, उनका कोई सत्यापन नहीं होता, वो 5-5, 7-7 दिन यहाँ पर रहती है और ये भी कई चीजों से सामने आया है कि उनको ऑन कॉल डिमांड पे भिजवाया जाता है। पुलिस इसको लेकर क्या ये बाड़मेर के लोगों को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो या इस तरह के स्पा सेंटर न यहाँ पर समाज में खराबी करे, इसको लेकर पुलिस को? जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में भी बताया था कि ये घटना हमारे लिए एक आई ओपनर है और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कुछ प्रबुद्ध जनों ने ऐसी जानकारी दी है और इसके तहत एक विशेष अभियान हम चलाएंगे। अनुसंधान के तहत उन बयानों को मैं पब्लिक नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो घटना के प्रथम दृष्टया FIR की तायद युवती ने की। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या पहले भी इन्होंने इसी स्पा सेंटर में कभी सर्विस ली है या इस तरीके का कभी उनका आना जाना रहा है? जैसे कि अभी ये दस्तयाब शुदा है, आईओ इनसे पूछताछ कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों आसपास के निवासी हैं तो संभवतः पहले भी वहां गए। सर, यूटी ने कोई रेप जैसे आरोप या कोई ऐसे बयान बताया कि रेप या अभी कहना संभव नहीं होगा, बयान को नहीं रहता।